हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 21 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं और एग्ज़ाम आपके पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के। चाहे मैं बात करूँ रेगुलर की, NCVAP की और सोल की, तीनों कॉलेज के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके ऑनलाइन होंगे। 21 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसी के बीच विद्यालय की तरफ से, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब गाइडलाइन आई थी कि आपका एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन के अलावा डेट शीट भी निकाल दी मॉक टेस्ट कंफर्म। अब मॉक टेस्ट आपका कराया जाएगा। तो अभी मेरे सामने मॉक टेस्ट की डेट शीट है और ये जो मॉक टेस्ट का नोटिफिकेशन जो डेट शीट है मैं इसको शेयर कर दूंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए मॉक टेस्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा, कई स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है। तो देखिए, देख सकते हो जैसा कि लिखा है एडमिशन 2021, जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया था ये उनके लिए है, सोल NCVAP रेगुलर तीनों के लिए। तो जो मॉक टेस्ट है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 12:30 से एक, मतलब कि कुल मिला के एक एक घंटे का एक टेस्ट चलेगा 12:30 से 1:30 बजे तक, 12:30 से 1:30 बजे तक। ये आपके तीन ऑल BSc प्रोग्राम, BSc होम साइंस मतलब रेगुलर वालों का हो गया, और उसके बाद ऑल BA ऑनर्स वालों का जो मॉक टेस्ट है 20 मार्च से ही है 2 से 3 बजे के बीच में। और जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट है, देखिए BA ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे BA ऑनर्स के इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस वाले, उनका जो मॉक टेस्ट है वो आपका 20 मार्च को होगा 2 से 3 बजे के बीच में, यानी एक घंटा आपको मिलेगा। और जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट है, ऑल BA प्रोग्राम के स्टूडेंट है, वो उनको जो टाइमिंग मिलेगी 4 से 5 बजे पर, यानी एक घंटा उनको मिलेगा। और BCom की जो स्टूडेंट है उनको टाइमिंग मिलेगी 4 से 5 मिलेगी 20 मार्च को, यानी एक ही दिन का इन्होंने इवेंट रखा हुआ है मॉक टेस्ट का। अब देखिए बेसिकली मॉक टेस्ट होता क्या है, मॉक टेस्ट का मतलब ये रहता है कि आपको अवेयर किया जाएगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम देना कैसे है, समझते हो। मतलब कि ये जो टेस्ट होगा इसमें आपको सिखाएगा, मतलब सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम आपको देना है, कैसे अपलोड करनी है आंसर शीट, कैसे डाउनलोड करनी है। जैसे कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा और 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो 20 तारीख को जो ये मॉक टेस्ट कराया जाएगा ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट मान लीजिए। मॉक का मतलब क्या होता है, मॉक ड्रिल कहते हैं, मतलब एक तरीके से फेक पेपर, ये फेक तरीके से कराया जाएगा। मतलब इसमें कोई ना तो इसके कोई नंबर मिलेंगे आपको, ना कुछ मिलेगा, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, लिखा है ना, तो प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रोसीजर बताया जाएगा ओपन बुक एग्ज़ाम का होता क्या। अब देखिए पहली चीज़, इन्होंने बता रखा है कि 20 तारीख तक आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा, यानी कुल मिला के बात ये है आज और कल में आपका रजिस्ट्रेशन और जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, उसके बाद ही ये मॉक टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट होगा क्या, ये मॉक टेस्ट आपका OB पोर्टल पर होगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक तरीके का एक, मान लीजिए एक इवेंट रखा गया है जिससे स्टूडेंट को पता चले कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है। सोल रेगुलर NCVAP के भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी जैसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब पहले एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में रोल नंबर होता है, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एडमिट कार्ड के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तब उस पोर्टल पर आप मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो एक ही दिन आपको टाइम मिलेगा। इस मॉक टेस्ट में आप अपनी आंसर शीट अपलोड करना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, ये सब आप इसमें सीख पाओगे, क्योंकि इसमें आप खाली सीट भी कितनी बार भी अपलोड कर सकते हो, मतलब लिखना है अपलोड करना, ये आप इसमें सीख सकते हो। तो वो हम आपको बता देंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। हम भी आपको आपके साथ ही मॉक टेस्ट देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट देना चाहे वो स्टूडेंट दे सकता है, और जो स्टूडेंट नहीं देना चाहे वो नहीं है, इसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ एक तरीके का टेस्ट है, आपको सिर्फ इसे अवेयर किया जाएगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम हो देना कैसे है। आप सीख जाओगे, मतलब ऐसा तो यानी एकदम आप 21 मार्च को बैठ जाओगे और आपको नहीं पता अपलोडिंग डाउनलोडिंग का। तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है, मतलब मैं तो यही कहूँगा कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फ्री है 20 मार्च को, तो आप दे देना, आप सीख जाओगे और हम आपको बता देंगे कैसे इसे देना होता है। बाकी टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, फिर ये बिल्कुल इसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और डेट शीट आ चुकी है, 20 तारीख को ही आपका पूरा होगा, और नीचे कुछ डिटेल है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और दोनों ही डेट शीट सेम टू सेम है, 20 तारीख को ही सारे मॉक टेस्ट से कराए जाएंगे। और मेरे आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे देना।
और देना कैसे, पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट, मतलब एग्ज़ाम से पहले एक टेस्ट कराया जाएगा जैसे मॉक टेस्ट इन्होंने बोला है, और ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बोला था। आपका मन है, आपके पास टाइम है तो आप दे देना, अगर नहीं है मन, नहीं है टाइम, मत देना, कोई बात नहीं, फिर डायरेक्ट पेपर ही देना, ठीक है। एक तरीके का मान के चलिए कि एक तरीके इवेंट कर दिया इन्होंने, और डेट दोबारा बता दे रहा हूँ, बीएससी वाले का छोड़ो, मैं तो सोल का बता रहा हूँ, बाकी तो देख लेना, ऑल बीए ऑनर्स के जो स्टूडेंट है उनका 20 तारीख को मॉक टेस्ट शुरू होगा 2 से 3 बजे के बीच में, बीकॉम ऑनर्स का होगा 2 से 3 बजे के बीच में, ऑल बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका होगा 4 से 5 बजे के बीच में, और बीकॉम प्रोग्राम का जो होगा 4 से 5 बजे के बीच में। तो ये टाइमिंग है आपकी, आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना इसके नंबर मिलेंगे, इसमें आप आंसर शीट खाली भी अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।